हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स का यूज है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। इस एडिटिंग को आप काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से भी कर सकते हैं और नोट वीडियो एप्लीकेशन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसा मैं आपको नोट वीडियो के एडिटिंग में बता रहा हूँ वैसे ही आप काइनमास्टर से भी कर सकते हैं, बट नोट वीडियो में आपको काफ़ी आसानी होगी, इसलिए मैं नोट वीडियो की मदद से ही बता रहा हूँ। तो चले चलते फ़ोन के स्क्रीन पर, ओपन करते हैं नोट वीडियो एप्लीकेशन को और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में कोई भी परेशानी होती है या कोई भी शिकायत हो या कुछ आप सजेशन करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है तो मैं वहाँ पर जस्ट आपको रिप्लाई दूंगा। तो आप जहाँ पर भी आपको जैसे सुविधा हो आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। आप कहीं पर भी मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और फ्रेंड्स, नोट वीडियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इसमें सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ISU 16:9 देख सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे 9:16 कर लीजिएगा। और फिर ऐसे प्रीव्यू रेजुलेशन जो ये 50 है तो इसे 100 कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडिया का ऑप्शन आएगा, इसमें सिंपली टैप कीजिए। यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, आपके सामने ये वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाला वीडियो मैंने आपको दे दिया, इसे ले लीजिएगा। ये 24 सेकेंड का और 0.24 है, ठीक है। तो इतना मतलब इतना ही टाइम का हम जो प्रोजेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो भी मटेरियल्स यूज़ करेंगे इतना ही टाइम का करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक, सबसे पहले तो आप ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये फुल इस तरह से पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बॉक्स देख सकते हैं, इस बॉक्स पे आप क्लिक कर लीजिए इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद। और कोई भी मटेरियल आप यहाँ पे यूज कीजिएगा तो इस बॉक्स का यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं किसी में बताना भूल भी जाऊँ तो भी आपको इसे कर लेना है, वैसे मैं भूलूंगा नहीं। अब यहाँ प्लस का आइकन देख रहे हैं, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने में मीडिया का ऑप्शन आएगा, फिर से इस पर क्लिक कीजिए, इमेज वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, आपका जो गैलरी ओपन हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे श्री रामनवमी करके ये वाला जो PNG है इसे आपको ले लेना, PNG नहीं फ्रेंड्स फोटो है तो उसे ले लीजिएगा। अभी इमेज सेलेक्ट है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बॉक्स पर हमने अभी तक क्लिक नहीं किया। तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, तो उसे हम कैसे हटाएंगे। तो यहाँ मोर का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। ब्लेंड मोड का ऑप्शन आ रहा है, या जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है तो इसे सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे एडिट भी करके जो ये वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइप करके आ रहा है इसे ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, स्केल जो है तो स्केल को थोड़ा छोटा कीजिएगा। ऑफेंस यहाँ पे पोजीशन के सेकंड वाली बटन के ऑप्शन की मदद से इसे नीचे कर लीजिएगा इस तरह से। अभी इसका टाइमिंग आपको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए ये वाला जो एरो देख सकते हैं, ये बॉक्स वाला जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 24 इस साइड में और फिर सेकेंड साइड में भी 24 इस तरह से आपको कर देना है। मतलब 24 सेकेंड 24 यहाँ पे ये हो जाएगा, एकदम प्रोजेक्ट दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ प्लस के आइकन में क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद इमेज में चले जाना है। और फ्रेंड्स, मैंने 2 PNG आपको दिया था, बट आप और भी PNG यूज करना चाहे तो कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो फर्स्ट ये वाला इमेज आप ले लीजिएगा, अगर आप इसका यूज करना चाहते तो इसे ले लीजिएगा। अगर दूसरा कोई इमेज यूज करना चाहते तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले इसका यहाँ पे जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसका टाइमिंग जो है तो इसे आप आधा स्क्रीन पे कीजिएगा, मतलब ये 24 है 24 है तो 12 12 आप इसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 12 मैंने कर दिया, अब ये आधा तक हो गया होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, देखना है कि कितना तक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिए तो यहाँ पर दिख जाएगा कितना तक है। अब यहाँ पर आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 3D है 3D पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा सा इसे ये वाला बॉक्स जो है उसे ऊपर कर देते हैं और प्रोजेक्ट सेटिंग पे आइएगा, तो इस तरह से आएगा। अब इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपको सिंपली इमेज को सिलेक्ट करना है। और स्केल का जो ऑप्शन देख सकते हैं, इसकी मदद से इसे छोटा कर दीजिए इस तरह से, इतना पे रख लेते हैं। फिर इसे पोजिशन के सेकेंड वाली बटन की मदद से इसे नीचे कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अभी आपको ये करना, पोजिशन का जो फर्स्ट वाला बटन है इसकी मदद से इसे इस साइड में पूरी तरह से कर दीजिए, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने पूरा गैप कर दिया। अब पोजिशन पर क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा इस तरह से। पोजिशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है
और फिर ये पॉइंटर को स्टार्टिंग में रख लीजिएगा, स्टार्टिंग में प्लस कीजिएगा और फिर इसके लास्ट में आ जाइएगा। लास्ट में आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे प्लस कर देना है और पोजीशन की मदद से इसे आपको इस साइड में पूरी तरह से कर देना है। इस तरह से देख सकते हैं ये इस साइड से इस साइड चला गया। अब आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसी का एक डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट कर लीजिएगा और फिर ये वाला जो बॉक्स है आप इस पर क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरह से आएगा और ये वाली ऑप्शन में टैप कर दीजिएगा तो इस तरह से दिखने लगेगा। अब सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आप डुप्लीकेट किए थे उसे सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह से और स्लाइड करके इस लाइन के बराबर में रख लीजिएगा पूरा पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं 24 सेकंड ये दोनों मिलकर बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप लेके जाएगा कुछ इस तरह से आएगा और फिर सेकंड वाला इस तरह से आना स्टार्ट होगा। अब सेकंड वाला जो है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ऊपर बॉक्स के पास में यहाँ पे जो क्लिक कीजिएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ऊपर थ्री लाइन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, रिप्लेस वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। ये वाला पीएनजी मैंने आपको दे दिया, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई पीएनजी आप चाहे तो लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स स्केल की मदद से इसे जूम करना चाहे तो आप जूम भी कर सकते हैं और पोजीशन की मदद से आप इसे ऊपर कर सकते हैं। बट ऊपर आपको कहाँ पे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बीच में कहीं पे भी कीजिएगा की लग जाएगा। ऊपर करना हो तो स्टार्टिंग में आकर इसे ऊपर करना है इस तरह से और फिर इसके लास्ट में जाना है और लास्ट में जाकर ऊपर करना है। जितना स्टार्टिंग में रखिएगा उतना ही इस साइड में भी रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 28 कर दिया और लास्ट में 26 ही है मतलब 26 है तो इसे भी हम 28 कर देंगे। यहाँ पे ये रहा थोड़ा सा ये रहा तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मीडिया में जाना, मीडिया में जाने के बाद इमेज पे क्लिक कीजिएगा और इमेज पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ले लेना है ये वाला पीएनजी, ट्री वाला जो पीएनजी था उसे ले लेना है। लेने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा बट इसका टाइमिंग भी हमें एडजस्ट करना है और इसे बॉक्स पर भी क्लिक करना है। तो ये वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पर ट्री जो है दिखने लगेगा। अभी यहाँ पर आपको इसका टाइमिंग एडजस्ट करना है तो इस टाइमिंग पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इसका टाइमिंग आपको कर देना है 24:24। ठीक है, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं और फिर इस साइड में जाएंगे, यहाँ पे इसे 24 कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे प्ले करके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले एक साइड में करना है, स्केल की मदद से सबसे पहले इसे थोड़ा छोटा कीजिए। छोटा करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे इतना पे एडजस्ट कीजिए कि एकदम बराबर से रहे, कहीं पे कटे ना। और स्केल की मदद से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। पोजीशन के बटन से इसे आप स्टार्टिंग में कर लीजिए इस तरह से। और अभी आपको क्या करना है, पोजीशन पर क्लिक करना है, यहाँ पे की लगा देना, की लगाने के बाद इसके लास्ट में आइएगा और फ्रेंड्स इसे आप लेकर दूसरी साइड में इस तरह से पूरी तरह से कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना हो गया। अब आपको ये करना है, फिर से यहाँ पे प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना मीडिया वाले ऑप्शन में टैप कीजिए, यहाँ पे इमेज पे जाइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे एक जाली वाला पीएनजी आपको मैंने दिया था, इस पीएनजी को ले लीजिएगा। लेने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, आपको क्या करना है इस बॉक्स पर क्लिक कर देना, जाली ऊपर दिखने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, इसका टाइमिंग एडजस्ट करना है तो ये वाले एरो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टाइम आपका ओपन हो जाएगा। इस टाइमिंग पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो इस साइड में 24 कर दीजिए, फिर दूसरी साइड में जाइएगा यहाँ पे और इसे भी 24 कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद स्केल की मदद से इसे जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद इसे एक साइड में, किसी भी एक साइड में पूरी तरह से रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इतना पे रख लिया हूँ, अब इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा कि ऊपर वाला जो ये राम जी वाला जो पीएनजी आ रहा है ये थोड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखे, तो इसी तरह से एडजस्ट कीजिएगा कि यहाँ पे अच्छे से दिखे। तो ये अभी सही दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें भी आपको की देना है, इसे एनिमेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में आ जाइए, की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद इसके लास्ट में जाइएगा और यहाँ पे भी एक की लगाइएगा। की लगाने के बाद पोजीशन की मदद से इसे इस साइड में पूरी तरह से कर लीजिए पूरा लास्ट तक, जितना तक ये लास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्री हम लगाए थे इसका टाइमिंग आप कम कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 24 से ऊपर भी है, 24 नीचे भी, तो इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे 12 कर देते हैं। ये 12 रहा और फिर इस साइड में भी यहाँ पे 12 कर दीजिएगा, ओके कीजिएगा। तो ये आधा है स्क्रीन पे आ जाएगा। पोजीशन पे क्लिक करते हैं, अभी इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये सही हो गया। अब आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर टैप कीजिए। टैप करने मीडिया वाले ऑप्शन टैप कर लीजिए, इमेज पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो और पीएनजी मैंने आपको दिया था, उस पीएनजी को आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स ये वाला पीएनजी यहाँ पे मैंने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स जो है इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा तो ये पीएनजी आपको दिखने लगेगा। स्केल की मदद से इसे जूम करके पूरे स्क्रीन पर कर लीजिएगा और फिर इसे आप पोजिशन की मदद से स्टार्टिंग में लेकर आ जाइए इतना पे। ठीक है, अभी आपको इसका टाइमिंग बढ़ा देना है तो यहाँ टाइमिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा और फ्रेंड्स ये 10 सेकंड है तो इसे हम 15 सेकंड कर देते हैं। पूरा लास्ट में नहीं करना है, पूरा स्टार्टिंग में भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सेकंड करते हो, ओके कर देते हैं। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में पोजीशन पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे एक प्लस कर लीजिए, फिर इसके लास्ट में आइएगा और यहाँ पे भी एक प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे स्क्रॉल करके इस तरह से आपको स्टार्टिंग तक कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे पूरी तरह से स्टार्टिंग में कर देता हूँ। अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आपको इस साइड में स्क्रॉल करना, प्लस के आइकन पे टैप करना, मीडिया में चले जाना है और यहाँ वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने एक तो पार्टिकल वीडियो दिया था, इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको ये बॉक्स जो दिख रहा है, इस बॉक्स पर आपको टैप कर देना तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कीजिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करके एडिट टीवी एडिटिव का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर आपके पास बॉर्डर का जो लिंक होगा तो उसे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बस इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। तो हमारा ये स्टेटस जो बनकर तैयार हो चुका है। आप एक और काम कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें साउंड लगा हुआ है तो इसका साउंड हमें म्यूट करना होगा। उसके लिए क्या कीजिएगा, नीचे ऑडियो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो दिख रहा हो तो इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है इसे जीरो कर दीजिएगा, इसका ऑडियो यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। अब एक और काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा 24 सेकंड का स्टेटस बन रहा है तो ये पार्टिकल जो है थोड़ा ज़्यादा है, 30 सेकंड तक हो सकता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिए तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और हमारा स्टेटस यहाँ तक बन रहा है इतना पे ही। अब देख सकते हैं ये 24 सेकंड और जो पार्टिकल है वो 29.27 सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बराबर में ट्रिमर का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर दीजिए तो आपका वीडियो दो पार्ट में कट जाएगा। अब नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिएगा। अब हमारा पार्टिकल जो बराबर हो गया, यहाँ पर हमारा स्टेटस जो एकदम परफेक्ट बराबर है, देख सकते इस तरह से। अब ये स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है तो फ्रेंड्स इसे एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने नीचे एडो देख सकते हैं, इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन 720 है तो इसे 1080 कर लीजिएगा। यहाँ पे FPS 30 है तो इसे आप 60 कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 60 इसे कर लेंगे, ओके करेंगे, हाई है इसे वेरी हाई कर सकते हैं। अब नीचे ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पर टैप कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर इस एडिटिंग का जीप फाइल आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी वेबसाइट पर ही अपलोड करूँगा या फिर मैं अपलोड कर ही देता हूँ। जीप फाइल आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर अपलोड रहेगा तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।